इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। तो यहाँ पर ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो अपन चलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो एक मशीन है, और जो आपको यहाँ पर ये ग्राफ दिख रहा है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये पेपर होता है इसको ग्राम बोलते हैं, और जो मशीन होती है उसको बोलते हैं ग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखें तो सबसे पहले होता क्या है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें तो यहाँ पर मैंने जो ये चीज़ें लिख रखी हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये हर्ट की मसल बनाई है। क्या बनाई है? हर्ट की मसल या मायोकार्डियम बनाई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूड होता है, वहाँ पर सोडियम आयन होते हैं, वो सोडियम आयन किसी सेल में एंटर करते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को अपन डीपोलराइजेशन बोलते हैं। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि किसी भी मसल सेल में अगर कोई सोडियम आयन एंटर करते हैं तो उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, और जब किसी भी मसल में सोडियम आयन एंटर करते हैं तो मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए तो डीपोलराइजेशन का और मतलब क्या है? सिस्टोल, और सिस्टोल का और मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पर और दूसरी सेल बनाई है, वो भी हर्ट की सेल ही है। अब यहाँ देखें तो ये कोशिका है हृदय की। हर्ट के अंदर अगर पोटेशियम आयन, जो पोटेशियम आयन होते हैं वो क्या सेल में सबसे अबंडेंट आयन होते हैं, वो अगर सेल से बाहर जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन का जो रिलेशन है वो रिलैक्सेशन से है, जो हर्ट का रिलैक्सेशन से है। अब यहाँ देखें तो इसको डायस्टोल बोलते हैं, जो रिलैक्सेशन फेज होती है उसको डायस्टोल बोलते हैं। हर्ट के अंदर दो फेजेस होती है हर्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, तो जो हर्ट बीट आती है उसमें दो, एक तो कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, सिस्टोल और डायस्टोल। तो यहाँ पर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो इससे पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको समझा दूं, तो यहाँ पर मैं अगर हर्ट बना दूं, यहाँ पर ये मैंने हर्ट बनाया है थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये हर्ट बना दूं मैं, यहाँ से ये हर्ट, इस तरीके से मैंने हर्ट बनाया है। तो यहाँ पर SN नोड प्रेजेंट होता है, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को जनरेट करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट होती है वो इस एट्रिया में जाती है। ये क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट होती है, सोडियम आयन क्या होंगे जो सेल्स में एंटर करेंगे, जिससे क्या होगा? डीपोलराइजेशन, सिस्टोल होगा, तो यहाँ पर इनका कॉन्ट्रेक्शन होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पर AV नोड होता है, ऑरिकुलर वेंटिकुलर नोड होता है, ऑरिकुलर वेंटिकुलर नोड होता है, उसके पास यहाँ पर इंपल्सेस जाते हैं, और फिर वो यहाँ पर जो ये सेप्टम होता है दोनों वेंट्रिकल के बीच में, इससे होते हुए बंडल ऑफ हिंज से लेके पुरकंजे फाइबर से यहाँ पूरे वेंट्रिकल में ये चले जाते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो किस तरीके से यहाँ पर हर्ट के कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस शुरू होती है, यहाँ पर इंपल्सेस जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर यहाँ पर ये रिलैक्स होंगे, मतलब डायस्टोल होगा, फिर यहाँ इंपल्सेस नीचे जाते हैं, और नीचे यहाँ पर इनका कॉन्ट्रेक्शन होता है वेंट्रिकल्स का, और इनका क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कुछ प्रोसेस। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो जो एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है उसको समझते हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो एट्रिया होते हैं उनका क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन। तो यहाँ पर जो एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब सोडियम आयन एंटर किए तो उससे क्या हुआ? सिस्टोल हुआ या कॉन्ट्रेक्शन हुआ? एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन हुआ। तो यहाँ पर इस एट्रियम में भी चले गए इंपल्सेस, और यहाँ AV नोड के पास भी चले गए, यहाँ इनका कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो यहाँ से जो भी ब्लड होगा वो नीचे चला जाता है, मैक्सिमम तो ग्रेविटी के कारण जाता है, और कुछ यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण जाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। फिर आता है एट्रियल रीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन फिर आता है
तो एट्रियल रिपोलराइजेशन में क्या होगा, एट्रियल रिपोलराइजेशन में जो कार्डियक मसल्स होगी वहां से जो भी पोटेशियम आयन होंगे वो बाहर निकलेंगे, उससे क्या होगा रिलैक्सेशन आएगा। तो बाद में इसका क्या आता है, दूसरी फेज में इसका आता है रिलैक्सेशन फेज होती है, ये एट्रियल रिलैक्सेशन फेज यहाँ पर हो जाती है। फिर तीसरी प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं उनका डीपोलराइजेशन होता है। तो एवी नोड्स के द्वारा जो भी इंपल्सेस होते हैं बंडल ऑफ हिंस और पुरकंजे फाइबर्स है पूरे वेंट्रिकल्स में उनकी वॉल में चले जाते हैं और यहाँ पर जो प्रोसेस होती है जिसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रेक्शन होगा, अब जो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यहाँ पर जो एवीनो जो मिंट्रल वॉल और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जो यहाँ पर एओर्टा होती है और पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके द्वारा जो ब्लड होता है वो पंप कर दिया जाता है आगे अपने फर्दर भाग में। अब यहाँ और समझने की कोशिश करें तो यहाँ जो ये हार्ट का मैंने डायग्राम बनाया है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ एसएन नोड होता है, एवी नोड होता है और यहाँ बंडल ऑफ हिंज पुरकंजे फाइबर्स ये पूरे पाए जाते हैं। फिर आता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकल का क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा, इसका रिलैक्सेशन होगा, इसका रिलैक्सेशन होगा। तो क्या होंगे, जो अर्धचंद्राकार कपाट या सेमीलूनर वॉल होंगे वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन थोड़ा सा इसको और समझने की करते हैं कि किस तरीके से जो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होती है वो क्या करती हैं कि डिटेक्ट करती हैं किस जो भी। अब यहाँ अपन इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या हुए, कुछ आयनों का आदान प्रदान हुआ जिनसे क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हुआ। अब इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब कोई आयन लाइन में इधर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कुछ समय में तो वो क्या करंट जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसी तरीके से अपने जो यहाँ हृदय होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो क्या होती है, बहुत ही माइन्यूट होती है तो वो अपने डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्या हुआ कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन ECG का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जो ये ह्यूमन बनाया है मैंने, इसके अंदर जो 6 लीड होती है वो तो हर्ट के पास लगाई जाती है, एक यहाँ कलाई के और इधर एक कलाई के राइट कलाई के, और यहाँ पर जो लेफ्ट एंकल होता है वहां पर पैर में एक लीड लगाई जाती है। तो इस तरीके से लीडें लगाई जाती हैं, ये लीडें सीधी ECG से जोड़ी जाती हैं, ये लीडें सीधी ECG से जोड़ी जाती हैं। ये क्या कर लेती हैं लीडें कि जो भी हार्ट के अंदर जो भी इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं या वहां पर जो भी कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है उस फेज को क्या करते हैं ECG द्वारा, ECG उनको डिटेक्ट कर लेता है इन लीडों के द्वारा। तो यहाँ पर इनको जेली लगाकर यहाँ पर इनसे जोड़ा जाता है, जेली लगाकर लीडों को लगाया जाता है और उनको ECG मशीन से जोड़ा जाता है और ECG मशीन अपने लिए हमारे लिए ECG पेपर तैयार करती है। तो यहाँ ये आपको दिख रहा है वो ECG या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं और जो मशीन होती है उसको ग्राफ बोलते हैं या इलेक्ट्रोकार्डियो पेपर भी होता है ये, ठीक है। यहाँ पर ये ग्राफ होता है वो क्या करता है कि टाइम वो होता है जो एक्स एक्सिस होती है उस पे तो टाइम होता है और यहाँ पर वोल्टेज जो वाई एक्सिस होती है वहाँ पर वोल्टेज होता है उसके बीच में। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि हर्ट के अंदर किस किस तरीके से अलग अलग फेजों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो सबसे जो पहली जो चढ़ाव आता है उसको P और बाद में Q, R, S और T ये इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि पी वेव में एक्चुअल में होता क्या है। तो पी वेव होती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को दर्शाती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। यहाँ पर पी वेव है वो किसको दर्शा रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रिया होंगे उनके कॉन्ट्रेक्शन को बताएगी, ये किसको बताएगी, एट्रिया है उनके कॉन्ट्रेक्शन को बताएगी। अब इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब यहाँ देखें तो PQRS कॉम्प्लेक्स होता है वो किसको दर्शाता है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को। तो यहाँ पर वेंट्रिकल्स, अब इसका डिपोलराइजेशन हो गया और यहाँ पर वेंट्रिकल का क्या होगा, वेंट्रिकल का क्या होगा, डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकल का क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा, जिसमें वेंट्रिकल क्या हो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ देखें तो सर आपने एक चीज छोड़ दी, कौन सी, जो ऑरिकुलर रिपोलराइजेशन मतलब एट्रियल रिपोलराइजेशन, इनका तो आपने सर कॉन्ट्रैक्शन तो बता दिया परंतु इनका रिलैक्सेशन क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर क्या कर देती है कि यहाँ पर जो ये जो एट्रियल रिलैक्सेशन की फेज होती है वो बहुत ही कम होती है और ये PQRS की फेज होती है वो बहुत लंबी होती है। इसीलिए जो QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है वो ज़्यादा फेज का होता है, इसीलिए यह एट्रियल रिपोलराइजेशन को क्या कर देता है, रोक देता है या उसको छिपा देता है, इसके अंदर ये ओवरलैप हो जाता है। तो इसी तरीके से हमने एट्रियल डिपोलराइजेशन की बात की है, उसके बाद सीधे ही अपने एट्रियल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की बात की है। यहाँ पर एट्रियल रिपोलराइजेशन की बात नहीं की क्योंकि वो इसके अंदर छुप जाता है। अब यहाँ देखें तो तीसरी वेव आती है, उसको बोलते हैं टी वेव। टी वेव होती है वो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को बताती है। यहाँ पर ये टी वेव है, ये वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को दर्शाती है और रिपोलराइजेशन मतलब आर से आर आप रिलैक्सेशन को याद रख सकते हो। तो यहाँ पर वेंट्रिकल का क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। और इतनी सी बात कर दे तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है या फिर किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर किसी के CID है, इसके कारण अगर इन जो ये वेव बनी हुई है इनमें क्या होगा, अगर कुछ उतार चढ़ाव होगा या फिर अगर यहाँ पर ये टी वेव चपटी हो जाती है तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो इनको बहुत ही माइन्यूट तरीके से स्टडी करते हैं और फिर बताते हैं कि आपका हृदय सही तरीके से काम करता है या नहीं करता है। और भी आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताया जाएगा जो भी चीज़ें बाकी रही हैं अपने। थैंक यू। Good.